बड़े राज्यों में भाजपा की जीत के बाद कांदरी कनान में भाजपा यू द्वारा रैली निकाली गई। तालुका अध्यक्ष योगेश वाड़ी भस्मे के नेतृत्व में निकाली गई इस रैली में कांदरी कनान व कदान क्षेत्र के कई कार्यकर्ता शामिल हुए। इस रैली में कार्यकर्ताओं के बीच तीव्र उत्साह देखने को मिला। बड़ी खुशी की बात है और आज पूरा भारतवर्ष आनंद मना रहा है, क्योंकि सबको मालूम है, लोग कहते थे कि मोदी की हवा नहीं रही, मोदी जी आने वाले नहीं है, मोदी का पूरा कार्यक्रम निपट गया। टीवी वाले भी बोलते थे, एग्जिट पोल भी आया था कि कांग्रेस की सरकार आएगी, लेकिन आज आपने देखा कि चारों राज्यों में से तीन सरकारें बीजेपी की आई है। मध्य प्रदेश में तो बीजेपी की सरकार 17 साल से थी, लोग बोलेंगे वहां भी नहीं आए, लेकिन वहां भी बीजेपी का परचम लहरा है। राजस्थान में भी भारी जीत हुई है और छत्तीसगढ़ के बारे में कहते थे कि वहां तो कांग्रेस फिर लौटेगी, लेकिन कांग्रेस नहीं लौटी, वहां मोदी जी की भाजपा की सरकारें लौटी है। इसका पीछे का कारण है कि मोदी जी ने जो विकास किया है वो विकास के लिए लोगों ने वोट दिया है, सच्चाई के लोग पीछे लोग खड़े रहे। हम भी बड़े गौरवान्वित महसूस करते हैं, हमारे पूरे गांव वाले कनान कांदरी के लोगों ने आज यहाँ रैली निकाली, भव्य शोभा यात्रा निकाली, हंसते गाते नाचते हुए हमने आनंद मनाया और आने वाले 24 में भी हम इसी तरह मोदी जी के पीछे खड़े रहकर भाजपा को फिर एक बार जिताएंगे। मोदी ने को पनौती कहा गया था, लेकिन मोदी पनौती नहीं है, मोदी अच्छे अच्छे के लिए चुनौती है और उन्होंने चुनौती साबित करके दिखाई है। छोटे चुनाव है, जो नगर पंचायत के चुनाव है, नगर पंचायत के जो चुनाव है उसमें भी भारतीय जनता पार्टी परचम लहराएगी और इस कांदरी नगर परिषद में भी भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनेगा और कनान नगर परिषद में भी अगर शिवसेना का नहीं भाजपा का नगराध्यक्ष बनेगा और पार्षद में भी भाजपा का नगराध्यक्ष बनेगा और तहसील में 50 ग्राम पंचायतें हैं, 50 में से 25 पर अभी भी भाजपा का कब्जा है।